देह व्यापार के धंधे में शामिल एक लड़की को पूरे पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस को फोन पर कहा कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जब जांच पड़ताल की तो देह व्यापार का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने होटल में छापा मारा। मौके से 6 लड़कियों समेत 3 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया। मामला MP के इंदौर का है, जहाँ पुलिस ने एक बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा है। अलग अलग राज्यों की 6 लड़कियों और 3 ग्राहकों को पुलिस ने एक फ्लैट से पकड़ा जो आपत्तिजनक हालत में थे। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर इंदौर पुलिस की आंखें फटी रह गईं। ये पूरी कार्रवाई भंवरकुआं थाना पुलिस ने की है। गिरोह का सरगना संतोष अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसकी तलाश जारी है। वो लड़कियों को फोन से इंदौर बुलाता था। पकड़ी गई लड़कियाँ महाराष्ट्र, कोलकाता, भोपाल, सतना और रीवा की हैं। इंदौर बुलाने पर संतोष इन्हें ग्राहकों की डिमांड पर भेजता था। कुछ ग्राहकों को वो अपने फ्लैट पर भी बुलाता था। पकड़ी गई लड़कियों और ग्राहकों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो 2 साल से देह व्यापार का धंधा इस फ्लैट में चल रहा था। दरअसल डायल 100 को एक लड़की ने सूचना दी थी कि निजी होटल में उसके साथ जबरदस्ती हुई है। भंवरकुआं पुलिस ने जब जांच की तो मामला देह व्यापार का निकला। लड़की को पूरे पैसे नहीं मिलने पर उसने शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने नवलखा स्थित इंदिरा कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में छापा मारा। एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, किसी लड़की ने अपने साथ जबरदस्ती होने की सूचना दी थी। जब थाने से महिला उपनिरीक्षक अंजलि श्रीवास्तव को जांच के लिए लगाया गया, तब जांच में उनके द्वारा जानकारी हासिल की गई कि यह दरअसल जोर जबरदस्ती का कोई मामला नहीं था, बल्कि एक प्रोस्टिट्यूशन का, एक वेश्यावृत्ति का एक गिरोह है जो नवलखा क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और उस गिरोह की ही लड़की मेंबर है, और जो पुरुष जिसने उससे सेवाएं ली थी उसको एक्सटॉर्शन करने के लिए उसने झूठा शिकायत डायल 100 पे की थी। फिर जब पूछताछ उनसे की गई तब उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नवलखा में इंदिरा कॉम्प्लेक्स जो है उसमें स्थित एक फ्लैट में जब रेड की गई तो रेड के दौरान वहाँ पर वेश्यावृत्ति में लिप्त और करीब 3 पुरुष और 5 अन्य महिलाएं वहाँ पर मिली हैं जो कि वेश्यावृत्ति में लिप्त थे। इनके ऊपर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुल 10 आरोपी इसमें हैं, 9 गिरफ्तार हो चुके हैं और एक जो मुख्य तौर पे जो दलाल था, जो कि अलग अलग शहरों से वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को हायर करता था, वह व्यक्ति अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें से 2 जो महिलाएं हैं वो कोलकाता की हैं, एक भोपाल की, एक लातूर महाराष्ट्र की, एक मुंबई की, और जो पुरुष आरोपी हैं उनमें से एक रीवा का, एक सतना का और एक खातेवान। मुख्य आरोपी इसमें संतोष नाम का व्यक्ति है जो कि सतना का रहने वाला है। फिलहाल इंदिरा कॉम्प्लेक्स में जो उसने फ्लैट ले रखा था उस फ्लैट के भीतर ही यह वेश्यावृत्ति का कार्य महिलाओं से करवा रहा था।